हमारे YouTube परिवार कानून की आवाज में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज एक इम्पोर्टेंट वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। और आज बात करते हैं धारा 452 IPC क्या कहती है, 452 है क्या, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन है उससे प्रेस कर लें, जिससे आपको सबसे पहले हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन या मैसेज आप तक पहुंचे कि आज नया वीडियो आ चुका है। बात करते हैं 452 IPC क्या कहती है, 452 IPC में क्या है, क्या सजा है, क्या नहीं है, सारी चीजें हम जानेंगे और इससे वीडियो को अंत तक देखते रहिए। IPC 452 ये कहती है कोई भी व्यक्ति, कोई भी अनजान व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति किसी भी घर व्यक्ति के घर में घुसकर मारपीट करने की सोच कर घर में घुसता है या मारपीट करने की सोच कर या प्लानिंग बनाकर घर में घुसता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ IPC की धारा 452 में मुकदमा दर्ज हो सकता है। मान लो किसी भी व्यक्ति को उस परिवार से रंजिश है, रंजिश को निकालने के लिए वो एक राय होकर एक मत होकर घर में घुसकर उस पर अनैतिक दबाव बनाना, घर में घुसकर उसके साथ मारपीट करना, उस को ये आशय होना कि इसे व्यक्ति को जान से मारना है, इसको पीटना है, इसको सबक सिखाना है और इस पे दबाव बनाना है कि ये जो हम कहे वो करें, इसे को लेकर कोई व्यक्ति इस प्रकार किसी भी व्यक्ति के घर में घुस जाता है, मारपीट करता है, दबाव बनाता है, उसे आत्महत्या करने या किसी भी के लिए उकसाता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ IPC की धारा 452 में मुकदमा दर्ज होता है। ये ध्यान रखें, अगर आप किसी व्यक्ति के साथ आपकी दुश्मनी है तो उसे कभी भी उसके घर में घुसकर उसके साथ मारपीट ना करें। अगर आप ऐसा करते हो तो आप संज्ञा अपराध की श्रेणी में आते हो, ये संज्ञा अपराध कहलाता है। क्योंकि कोई व्यक्ति मान लो दोनों एक दो दो व्यक्तियों के आपस में लड़ाई है तो कभी भी उनके घर में अगर आप घुस के मारते हो, उनके घर में दबाव बनाते हो तो वो व्यक्ति आपके खिलाफ 323 341 के अलावा 452 IPC की धारा भी आपके साथ जुड़ जाएगी। क्योंकि आपने उनके घर पे जाके उससे मारा है, उनसे मारपीट की है, उनको दबाव बनाया कि आप ऐसा ना करें ऐसा करें। तो इसलिए दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति अगर ऐसा करते करता है तो उस व्यक्ति को 1 साल से लेकर 7 साल तक की सजा हो सकती है। यह गैर जमानती वारंट है, किसी भी न्यायालय में विचाराधीन रह सकता है। इसलिए आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और आगे भी इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।